So I'm a foodie and this is dinner time and I'm going to eat a lot. So I am hoping that, I mean, this is a beautiful place. I love the interiors. It's a new place that's open up which offers you a global cuisine. And I'm just looking forward to the food. मैं सब खाती हूँ मैं नॉर्थ इंडियन टू साउथ इंडियन टू चाइनीज टू जापानीज टू एवरीथिंग आई लव खाना बेसिकली मुझे कुछ भी खिला लो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि So I have to work out a lot because I really I'm not blessed naturally like you know some people really can be fit and not have to work out too much but I guess it's what you're just doing that it's bothersome no but I have to work out yeah I work out at least an hour and a half to 2 hours in the gym every day So Ritik vs. Tiger is coming, it's titled and you will get to hear about it very soon, actually very very soon and then Shamshera is also, we have been in the midst of the shoot, this whole year hum Shamshera ki shoot kare and next year it's out for release. How's it's amazing. With who? With Shamshera? Shamshera team is phenomenal, I mean again. I'll say that I'm blessed to be working with such amazing, talented people. Karan Malhotra has really put his faith in me, so I'm happy and grateful to him at the same time. जाते हैं तो अपने फैन्स को कुछ विश करना चाहेंगे आप किसके लिए? अपने फैन को. माँ को मतलब रोज खाना मतलब पॉसिबल नहीं होता खाना तो बाहर भी अच्छा लगता है ऑफकोर्स लेकिन कॉलोनियल पैलेट बोलने में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगा आज क्या खाने वाले तो मैडम आप ही ने आज क्या कुछ स्पेसिफिक खिलाने वाले मुझे पता नहीं अभी यहाँ का मेन्यू क्या है तो मैं मेन्यू देखूंगा फिर मेन्यू में क्या क्या है एवरीथिंग हेल्दी ह्यूमरस एंड हेल्दी खाना खा के ऐसे सो मैं ऑफ कोर्स देखूंगा कि कैसा है खाना उसके बाद भारत की सफलता की अगर हम बात करें तो हमने देखा एक पिक्चर आपकी देखी आप समुद्र में नहाते काफी दिन हो गए जरा बताइए कि कितना एंजॉय किया समुद्र में नहाने में नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपने कितना एंजॉय किया समुद्र में नहाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और पता नहीं समुद्र को कितना अच्छा लगता है मच्छियों को कितना अच्छा लगता है इसका अंदाज़ा नहीं है ऑफ कोर्स हैप्पी दैट लोगों ने पसंद किया भारत को और मुझे बहुत खुशी है उसकी सक्सेस के साथ मैं अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है मैं जल्दी जैसे डिसाइड होता है मैं आपसे शेयर करूँगा बहुत जल्दी शेयर करूँगा फिलहाल आई थिंक कुछ दिनों में मैं आपसे शेयर करूँगा डेवलपमेंट जो भी आपसे शेयर करूँगा अच्छा इन दिनों हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज का बहुत ट्रेंड है लोग वेब सीरीज में भी नाम आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सारे सवाल आप ही को आते हैं है? आपसे ही सीखा है आपका शो देखिए अच्छा हाँ तो आप बताइए कि वेब सीरीज में भी हम आपको देखेंगे जी वेब सीरीज़ बहुत अच्छी बन रही है बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी कुछ मैं भी अच्छा करूँगा इंटरनेट स्पेस पर पर अभी तक कुछ ऐसा है नहीं थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच गुड लक थैंक यू थैंक यू आप लोगों ने खाया खाना हाँ आओ खाना खाते हैं इकट्ठे थैंक यू अभी ब्रो आपका
First of all, thank you so much. आप हमारे साथ यहाँ पर आए और बहुत देर से आप लोग हमारे साथ हैं. So thank you so much for that. Well, this is the Colonial Palette TCP. This is a very colonial concept जहाँ पे हम कई पुरानी dishes लाए हैं जो आपने 50-100 साल पहले सुना होगा जिनका नाम. So the East India Company had come and the colonies were formed, especially in this area. So उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही पुरानी रेसिपीज़ को एक नए मॉडर्न स्टाइल में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम. सो बेसिकली दादी माँ के ज़माने में जो आपने रेसिपीज़ सुनी होंगी या देखी होंगी, जो इंग्रेडिएंट्स, जो स्पाइसेस यूज़ होते थे, उनको हम एक नए और मॉडर्न स्टाइल में लेकर आ रहे हैं. सो इट्स अ फ्यूजन ऑफ कंटेम्प्रेरी विथ द ओल्ड एंड क्लासिक स्टाइल. Well, so if you talk about the cuisine, it's Indian, continental, Asian, mixed with a colonial concept. So ab hum keh sakte hain ki humne ek naya cuisine form kar liya, which is a colonial cuisine. So you name it and you have it, from the Indian dishes to very, if you call about talk about risotto with pastas and with butter chickens as well, Indian, Asian, continental, fusion of all three of them in a continent, in a colonial style. So it's very healthy, it's very healthy. All the dishes are very healthy. Even if you try the desserts, it's like not very sweet. It's like our kind of palate. But because I am from North India, I am from Lucknow city, Nawabo ke shehar mein, jahan pe hum log ka the taste buds are so high on this thing ki hume acha khana, Mughlai khana khane ki bahut zyada aadat thi bachpan se. So that's how we decided that we are going to open a restaurant jahan pe hum Mumbai shehar mein bhi ek थोड़ा सा मुगलाई टच के साथ साथ वी आर गोइंग टू गेट दिस कॉलोनियल कॉन्सेप्ट. सो दैट्स हाउ वी हैव कम अप विद टीसीपी एट काला घोड़ा, द कॉलोनियल पैलेट. थैंक यू सर मैं आपका लंबे टाइम से इंतजार कर रहा हूं सच में. एक्चुअली एक आपने भी देना चाहिए था मेरे को. नहीं नहीं, हमेशा पिक्चर में आ जाते हो, मेरे ख्याल से आप बाद में आते हो. फोटो करते हो सर? रोज आप पिक्चर सूरज सर 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 सेंटर मैम आइए देखो शिल्पा सर खत्म हुआ. आइए आइए अभी आइए मैम. ओके, तो सुनील जी, अब तक ये रेस्टोरेंट आपको जितना दिखाई दे रहा है, बताइए कि आपको कैसा लगा? आपने अभी तक मौका ही नहीं दिया मुझे देखने का. हाँ, सामने यहाँ से देख के बहुत अच्छा लगा है, और रेस्टोरेंट देखने में पहले अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा लग रहा है. मैं थोड़ा सा खाऊंगा फिर देख बताता हूँ कैसा. मुझे तो माँ के हाथ में खाना अच्छा लगता है, लेकिन बॉलीवुड की चटपटी और मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल बॉलीवुड लाइफ को,
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।